आपका स्वागत है हमारे चैनल जी स्पार्क में और हम बात कर रहे हैं करंट अपडेट्स के बारे में। तो आइए हम जानते हैं नए राज्यपालों की जो नियुक्ति हुई है वो कौन कौन है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है जो कि आर्टिकल 153 के अंतर्गत आता है, जिसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आइए जानते हैं कौन कौन से नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। आरिफ मोहम्मद जो कि केरला के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, कलराज मिश्र जो कि राजस्थान से नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, और इसके बाद बंडारू दत्तात्रेय जो कि हिमाचल प्रदेश से नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, और इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र से नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, और इसके बाद है टी सुंदर राजन जो कि तेलंगाना के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, और विश्वभूषण हरिचंदन जो कि आंध्रा से नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, और इसके बाद फागु चौहान जो कि बिहार से नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, और इसके बाद अनुसुईया उइके जो कि छत्तीसगढ़ से नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, इसके बाद आचार्य देवव्रत जो कि गुजरात के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, और इसके बाद है लालजी टंडन जो कि मध्य प्रदेश से नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, और इसके बाद है रमेश वैश्य जो कि त्रिपुरा के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, और इसके बाद आरएन रवि जो कि नागालैंड के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, और इसके बाद आप सभी जानते हो आनंदीबेन पटेल जो कि अभी नई राज्यपाल नियुक्त हुई है हमारे उत्तर प्रदेश की, और इसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की जो कि विश्वभूषण चंद्रन नियुक्त हुए हैं। इसके बाद तेलंगाना जो है एट प्रेजेंट में हम लोगों का 29वां राज्य है जो कि 2 जून 2014 को बना था, बट हाल ही में जो स्थिति है इसकी चेंज होने वाली 31 अक्टूबर को जो फिर से 28 राज्य प्लस 9 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो बनाए रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर और धन्यवाद।